टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। चुनाव प्रचार करके लौट रहे नाना पटोले की गाड़ी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। भंडारा जिले के भिलवाड़ा इलाके में हादसा है। इस हादसे में नाना पटोले बाल बाल बच गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ बस हादसा दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल से आज भगवंत मान और संजय सिंह मुलाकात नहीं कर सकेंगे। दरअसल तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। अब जेल प्रशासन नया समय बताएगी। बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की 9वीं सूची आज जारी कर सकती है। 9वीं सूची में यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल के 8 से 10 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया कि बाइडेन हैरिस प्रशासन देश और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देता है। ईद मुबारक। नरेंद्र मोदी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे के समर्थन में रामटेक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली के लिए नागपुर जाएंगे। नागपुर और आसपास के इलाकों में कल हुई बारिश के कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए देर रात तक रामटेक के रैली मैदान में जाना पड़ा। भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। इसी बीच आयुष मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि हमने इसके प्रचार को लेकर आगाह किया था। पीएम नरेंद्र मोदी तमिलों का दिल जीत रहे हैं। वह एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु में है। मंगलवार को उन्होंने चेन्नई में एक बड़ा रोड शो किया। बुधवार को वह कोयम्बतूर में रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस साल होली के दिन बड़ा हादसा हो गया था। 25 मार्च को गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आग लग गई थी। इस हादसे में 14 लोग झुलस गए थे। इन घायलों में से एक की अब मौत हो गई है। इनका नाम सत्यनारायण सोनी है, जो कि मंदिर के सेवक थे। संजय निरुपम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। निरुपम ने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस जीरो पर आउट होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी के लिए समर्थन मांगा और बारामती के मतदाताओं को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके चाचा शरद पवार की बेटी को 3 बार चुना है, लेकिन अब उन्हें उनकी बहू को चुनना चाहिए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी ने कहा है कि यह समर्थन सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए है। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन्होंने रावेर और सातारा से उम्मीदवार उतारे हैं। मुंबई कांग्रेस ने बुधवार दोपहर एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में होगी। वे नाराज बताई जा रही है। मुंबई नगर निकाय ने अपने एक आदेश में बताया है कि दुकानों के बाहर मराठी साइन बोर्ड नहीं लगाने पर 2 गुना प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। बीएमसी ने 1 मई से 2 गुना प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की बात कही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम मजबूत हैं। इस दुनिया में कोई भी अजय नहीं है। सभी गठबंधनों की अपनी चुनौतियाँ हैं। मेरी विश्वसनीयता दांव पर है। मैं बिना सोचे समझे संख्याओं को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करती, लेकिन हम अच्छा करेंगे क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज उछाल के साथ कारोबार देखा जा रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी के दम पर बाजार सपोर्ट ले रहा है। आज से सिनेमाघरों में अजय देवगन की मैदान और अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां देखी जा सकेगी। दोनों ही फिल्में आज रिलीज हो गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।